हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एविटेक सपोर्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक खास CCNA वॉइस की वीडियो में आज हम बताने वाला हूं आप लोगों को क्या है कि आज हम बात करेंगे मोबाइल सेलुलर सिस्टम के बारे में कि बग कैसे करता है और इसके यूजेस क्या है। कम्प्लीटली डिटेल में हम आज इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं द सेलुलर टेलीफोन सिस्टम क्या रहता है। सेलुलर सिस्टम कौन से होते हैं जो आज के टाइम में अपन मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, सेलुलर बोलेंगे। सेलुलर जिसको अपन मोबाइलिटी बोलेंगे, जिसको अपन सेल फोन जैसे कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपन टेलीफोन बोलें उसको अपन कहीं नहीं ले जा सकते। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल से। द सेलुलर टेलीफोन सिस्टम इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिस्टम। इसके क्या है, सबसे डिफरेंस प्रीवियस रहता है। वी आर लर्न बिकॉज द मेजर ट्रांसमिशन मीडियम इंस्ट्रक्ट ऑफ वायर बिटवीन द मोबाइल एंटिल द बेस स्टेशन रहेगा। इसका एनालॉग एंड डिजिटल टेलीफोन सिस्टम, यानी कि आप लोगों को मैंने पहली वीडियो दे दिया है एनालॉग और डिजिटल के बारे में, वहाँ पर आप और डिटेल में देख सकते हो। इन सेलुलर सिस्टम इज द सिग्नल फ्रॉम द मोबाइल यूनिट सेल फोन वेस स्टेशन से इसको अपन को सिग्नल मिलता है एंड रेडियो वेब्स, यानी कि अपन क्या है कि जो अपन वॉइस वगैरह सुनते हैं वो क्या है कि रेडियो वेब्स मिलती है थ्रू द एयर इंस्ट्रक्टेड थ्रू द मेटेलिक वायर। However, the signals from the base station send mobile switching center, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर से वर्क करेगा। पॉसिबल द टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस में भी इसका रहेगा। इलेक्ट्रिकल वायर्स रहेंगे सभी जगह पे। अगर आपका नेटवर्क स्टेशन नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। द एंटीना बेस स्टेशन ऑफ द रेडियो वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल सर्किट बेस स्टेशन सेंड द सिग्नल। लाइक जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स के टावर्स वगैरह रहते हैं, वेस एंटीनास वगैरह रहते हैं, लाइक वही आपका आज के टाइम में जो वो यूजिंग वगैरह हो रहा है वही मोबाइल टावर वगैरह, लाइक उसका तरह से ये सेलुलर फ़ोन का सिस्टम का प्रोटोकॉल्स वर्क करेंगे सर। तो इसका मैं एक आपको एक डायग्राम दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके काफ़ी डाउट्स होंगे माइंड में। वो टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस है, वेलिंग हाउस है, यानी कि आपके नेटवर्क टावर लगे, यहाँ नहीं कि आपका कनेक्शन ऐसे वर्क करेगा, यानी कि अगर आपका एंटीना वगैरह नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। और जैसे कि पुराने सिस्टम में वायर्स वगैरह होते थे घर तक आते थे, तो वैसा इसमें नहीं है, ये एंटीना से वर्क करेगा मोबाइल सेलुलर सिस्टम। और हम बात करते हैं हाउ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम वर्क, सेलुलर सिस्टम टेलीफोन वर्क कैसे करेगा। द एरिया ऑफ ए सिटी पार्ट ऑफ ए टाउन, यानी कि एक एरिया है कोई या सिटी का कोई शहर है आपका, डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइडेड है वो काफ़ी सेल्स में, यानी कि आपका दिल्ली है तो नोएडा सेक्टर काफ़ी सेक्टर्स वगैरह में डिवाइडेड किया गया है। टू मील साइज अंदर वैन कैन स्मॉलर मोन क्राउड्स एरिया, यानी क्राउड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। एंड बेस स्टेशन फॉर पोजिशन विद द ईस्ट सेल करेगा। इफ द यूजर मोबाइल फोन्स विद द पर्टिकुलर सेल एंड द हैंडल विद द करस्पॉन्डिंग बेस एंटीना, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं पर अपन काफ़ी दूर लगा दिए एंटीना, ऐसा नहीं है कि आपको उसी रेंज में एंटीना लगाएंगे जब तक आप एंटीना उस टावर की रेंज में नहीं आएंगे, जब तक आप वर्क नहीं करेगा वो। द बेस स्टेशन ट्रांसमिट द सिग्नल मोबाइल स्विचिंग MTSO स्विचिंग इज द एनोदर बेस स्टेशन पब्लिक स्विच टेलीफोन होता है एक नेटवर्क PSTN डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन सेल व्हेन एनोदर मोबाइल एंटर रेगुलर टेलीफोन, यानी कि रहेगा इसका अगर टेलीफोन की तरह वर्क नहीं करेगा, जैसे कि मोबाइल फोन सबके रहते थे, मोबाइल सेल फोन की बात नहीं करूँगा, जो ट्रेडिशनल पुराने फ़ोन्स रहते थे उनके बारे में, जैसे लाइक उनमें क्या है कि बेस एंटीना वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से वायरिंग आती थी हेड ऑफिस से, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते। इसमें क्या है कि एक टावर की आपको लाइक ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है इसमें। ऐसे यूज़र मूव्स फ्रॉम द सेल एनोदर द सेल ऑफ द हैंडेड ओवर द बेस स्टेशन ऑफ द अदर सेल, दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ द हैंड ओवर द होप फुली ट्रांसमिट द यूज़र, यानी कि हैंड फुली ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि मोबिलिटी रहती है कि अपन कहीं भी लेके घूम सकते हैं। अगर आपका पुराने ज़माने का फ़ोन होता तो आप उसको कहीं पर लेके नहीं घूम सकते, इसका ओनली बस यही बोल सकते हैं अपन इसके लिए है, सेलुलर टेलीफोन के सिस्टम के लिए। यहाँ पर कुछ मैं एक आपको और डाइग्राम दे देता हूँ जिससे आप और डाउट क्लियर कर लें। लाइक ऐसे आपका PSTN वगैरह मैंने समझा दिया है और मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग वगैरह आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है।
अगर आपने पिछली बार वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें आप। द मोबाइल सिस्टम बेस स्टेशन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिक्वेंसी रहेगा। द सिग्नल फ्रॉम द मोबाइल यूनिट एराइव द एंटीना बेस एंटीना, यानी कि आपको इसमें वीडियो में बताऊँ तो आप लोगों को क्या है कि बेस एंटीना के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हो आप सेल फोन में। अगर आपका टावर ही नहीं है भाई तो आप कहाँ से कर सकते हैं ना, कोई आपका प्रोटोकॉल वर्क करेगा, इंटरनेट वगैरह कुछ वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी नहीं लगती हो तो डिसलाइक करें, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको।